हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संगीत शिक्षण हिंदी। मैं शिवम कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। और जैसे कि आप अलापचारी से समझ गए, ये राग शिवरंजनी है। इसमें मैं आपको राग शिवरंजनी में आपका राग विस्तार करके बताऊंगा, और उसके बाद कुछ वीडियो में आगे इस पर आधारित फिल्मी गीत मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैं इसमें बता चुका हूँ वीडियो पे, अगर आपको पता करना हो तो आप मेरे वीडियो पे जा सकते हैं। वीडियो है राग शिवरंजनी का, और इसमें कुछ विवादी स्वरों का प्रयोग करते हुए मैं बताऊंगा कोमलनी और माँ का प्रयोग कैसे करते हैं शिवरंजनी में खूबसूरती के लिए, वो बताऊंगा। तो पहले पर राग शिवरंजनी की बात है तो राग शिवरंजनी करेंगे। बहुत ही प्यारा गीत है और मेरी भी इसमें कुछ रचनाएं हैं, तो मैं आपको सुनाऊंगा आगे। पर अभी राग विस्तार की बात करेंगे तो राग विस्तार करेंगे। ओड़ा ओड़ा जाति का राग है, इसमें गंधार कोमल प्रयोग होता है और बाकी स्वर इसमें शुद्ध होते हैं, यानी रे और धा शुद्ध है और पा तो अचल स्वर है ही। राग विस्तार बताने का मेरा मोटिव यह है कि राग विस्तार अगर आप खुद करेंगे तो आपको रचना करना आएगा, रागों में विचरण करना आएगा, रागों को समझने की कैपेसिटी अच्छी होगी, स्वरों को समझने की आपको अनुभूति होगी, और इसमें आपको स्वरों की स्थिरता होगी। जो आजकल लोग मेरे पास रिव्यू आए हैं उसका रिव्यू मैं लाइव में करूंगा, तब बताऊंगा वो चीज़। स्थिरता बहुत ज़रूरी है स्वरों में, ठहराव, गहराव, गहरी जिस जो स्वर लगते हैं ना, कहते हैं ना साकार याद, तो ये सब यही चीज़ें हैं। और रंजकता आती है, मॉड्यूलेशन आता है वॉइस में, वैराइटीज आती हैं। बोलने को तो गागा ऐसे ही बोलते हैं लोग, क्लासिकल वाले प्योर गागा रेगा, पर खूबसूरत खूबसूरती जो आती है रागों में, रंजकता। राग विस्तार है राग क्लासिकल का ही पार्ट, पर इसको हम अपने अपने स्टाइल में करते हैं, इसमें किसी बंदिश नहीं होती है, रंजकता पैदा करते हैं अपनी गायकी में, अपने स्वरों के लगाव में। गागा रेगा सरे गरे साधा गरे सा का भी प्रयोग किया हल्का सा, देखिए किस तरह से गरे साधा पाधा गरे साधा पाधा सा गरे साधा पाधा सा रे गरे साधा पाधा सा रे गा विचरण करें आपको बहुत मिलेगा। जैसे कि मैं कहता हूं, मैं राग विस्तार चाहे आज करूं चाहे कल करूं, राग विस्तार हर बार अलग तरीके से करूंगा, क्योंकि याद रहेगा ही नहीं वो चीज, तो आपको बस राग का स्वरूप याद रखना है, राग का स्वरूप नहीं बिगड़ना चाहिए, राग में मधुरता बढ़ती जानी चाहिए, राग विस्तार ये आपकी ख्याति होगी अगर आप इस चीज को करते हैं। सा ग प प ग
धा पा, धीरे धीरे उच्च स्वरों की तरफ बढ़े तो उच्च स्वर भी लगना शुरू हो जाएंगे। गा धा पा धा पा पा धा सा स्वर भी लगाए पा ध सा रे धा सा रे गे 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 सा पा पा धा 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 सा धा 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 सा 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 रे सा 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 रे 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 गा रे 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 गा 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 पा गा 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 पा 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 धा पा 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 धा 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 सा 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 धा 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 पा धा 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 पा 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 गा पा 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 गा 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 रे गा 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 रे 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 सा गा 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 रे 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 सा गा 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 रे 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 सा गा रे सा धा सा गा रे सा धा सा पा धा सा धा सा रे सा रे गा। तो ये सब चीजें करना जरूरी है, इसमें आकार अलंकार इन सब चीजों का रियाज अगर आप करेंगे, सॉरी फिंगर भी मूव करेंगी, सारे गा सारे गा सारे गा पा सारे गा सारे गा सारे गा पा रे गा पा रे गा पा धा गा पा धा गा पा धा गा पा धा सा पा धा सा पा धा सा पा धा रे सा पा धा सा पा धा सा पा धा सा धा पा सा धा पा गा धा पा गा धा पा गा धा पा गा रे पा गा रे पा गा रे पा गा रे सा गा रे सा धा सा गा रे। देखिए गलती से आप ना डरें, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप गलती होगी, गलती मुझसे भी होती है, मैं आप वीडियो बना रहा हूँ मुझसे गलती हो रही है, तो वो गलती को निगलेक्ट कीजिए। आप ये सोचिए कि मुझसे गलती होगी, अरे गलती होगी मुझसे गलती होगी, तो नहीं कर पाएंगे आप। गलती होती स्वाभाविक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं बना रहा, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। हाँ अगर मैं कहीं गाऊँ या करूँ तो मैं आपको उस चीज़ का ध्यान रखूँगा, फिर मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा, मैं अपने अपने अपनी एबिलिटी के हिसाब से ही करूँगा। जैसे मैंने एक रचना की थी, मैं आपको सुनाना चाहूंगा थोड़ा सा। खूने दिल होता है तो होने दीजिए, खूने दिल होता है तो होने दीजिए, अब रुलाया तो फेरों ने दीजिए, खून दिल होता है तो ने दीजिए। तो इसी
बात के साथ मैं अलविदा लेता हूँ और आपसे बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, और ये सिर्फ मेरा प्रैक्टिस कराने का जरिया है, ना कि मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक जरिया बता रहा हूँ कि रागों में कैसे विचरण करें या कैसे घूमें। गलती होगी, गलती से आप बिल्कुल ना डरें, गलती मुझसे भी होती है, वीडियो बनाते समय भी होती है, नो प्रॉब्लम। ये आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में गलतियाँ होती हैं, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप परफेक्ट कभी कर ही नहीं सकते। तो इसी बात के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। आई होप यू विल लाइक इट, सो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू एंड प्लीज़ ज्वाइन अवर लाइव सेशन। थैंक यू।